नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस शो पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन काफी बार इसको समझा नहीं जाता इस टॉपिक को और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। और हम बात करने वाले हैं आज टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर आपने भी इसके बारे में अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स की बात के बीच में डिस्कस किया होगा, लेकिन अक्सर पाया होगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड पाते हैं इसे, या फिर चूज करने में आपको काफी मुश्किल आती है। तो आपकी सारी मुश्किलें हल करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जो कि हमें टर्म इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी बातें आपके लिए जरूरी हैं वो सब समझाने में हमें हेल्प करेंगे। तो सजा प्रवीण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस हेड हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com के। स्वागत है सजा आपका इस खास शो पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म प्लान्स क्या होते हैं, ये यूलिप्स और बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। साक्षी, टर्म इंश्योरेंस जो होता है बेसिकली वो एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है, पर लेकिन वो सबसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको बहुत ज्यादा और बड़ा रकम का कवर मिलता है, जैसे कि 1 करोड़ का कवर मिलता है कम से कम, जैसे आप आपके एज के बेसिस पे शायद ठीक 500 रुपये महीने के प्रीमियम पे 500 रुपये पे करोगे आप अगले 30 साल तक। इस 30 साल में अगर आपका डेथ होता है फिर आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी दिया जाता देते हैं। जैसे कि ये टर्म प्लान जो है आपने देखा था कि 500 रुपए पे 1 करोड़ मिल रहा है। बिल्कुल अगर यही आप जो अगर एंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान की बात करते हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बड़ा गोल होता है, वहां पे जी आपके 1 करोड़ का कवर के लिए आपको 10 लाख का प्रीमियम देना जरूरत होगा हर हर साल। इसका मतलब है हर महीने आपको 90 हजार प्रीमियम के आसपास, 80-90 हजार के आसपास देना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिलेगा। तो वो अंतर है इन दोनों के बीच में कि वहां पे आपको रिटर्न्स भी मिलेगा, जो आपने 80-90 हजार जो पे किया है उसके ऊपर रिटर्न्स भी मिलेगा, बट लेकिन 80-90 हजार रुपए जब पे करोगे महीने हर महीना, तब जाके आपको 1 करोड़ कवर मिलेगा। या वो यदि वही आप अगर 2 हजार रुपए पे कर रहे हो, जिसका मतलब 25 हजार रुपए हर साल पे करो, तो सिर्फ 2.5 लाख का जी कवर, लाइफ कवर मिलेगा उस वाले में। आपने ये बात सही कही, क्योंकि अक्सर लोग इंडिया में यही सोचते हैं कि मुझे, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए। वो लाइफ इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, ना कि लाइफ के या रिस्क के कवर्स को सोचते हैं। अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि जब वो टर्म प्लान लेने की सोचते हैं तो उनको लगता है कि मेरे लिए शायद पूरे साल भर का 30,000 या 40,000 रुपए वेस्ट हो जाएगा अगर मैं ये लूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान्स में जरूरी है कि हाँ वो रिटर्न भी आएगा, बट लेकिन वो बहुत जी महंगा पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। अगर अगर सिर्फ आप इंश्योरेंस कवर के तरफ से देखो तो जैसे टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि आपको बहुत सस्ते दाम में आपको बहुत ज्यादा कवर दिया जाता है, उसकी वजह से आपको बहुत मतलब फायदा भी है। वेरस आपने जैसे बताया था कि अभी बहुत लोग रिटर्न के बारे में देखते हैं, उसी चीज को लेके इंश्योरेंस कंपनीज ने अभी नया फीचर्स भी लॉन्च किया टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में। जैसे कि मैंने बताया था, टर्म इंश्योरेंस प्लान जनरली 500 रुपए पे करते हो 1 करोड़ कवर 30 साल के लिए, जहां पे मतलब कुछ नहीं हुआ तो कुछ वापस नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ डेथ हुआ तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल दूसरा एक और कैटेगरी था बहुत पुराना, टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, जिसमें आपको 500 की जगह 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा, मतलब दुगना पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 करोड़ का कवर मिलेगा अगर डेथ हुआ तो। डेथ नहीं हुआ तो जितना आपने 1,000 रुपए पे किया हर महीना 30 साल तक, वो 30 साल के अंत में आपको वापस मिलेगा आपकी जो प्रीमियम कॉस्ट है वो रिटर्न हो जाएगी। वो प्रीमियम कॉस्ट रिटर्न। पर लेकिन अभी एक नया कैटेगरी आ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि जैसे कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी या जीरो कॉस्ट प्लान। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको वही 500 रुपए में या वही प्रीमियम में आपको कवर मिल रहा है 1 करोड़ रुपए, पर लेकिन रिटायरमेंट के आसपास आप अगर डिसाइड करते हो कि मेरे को ये प्लान नहीं चाहिए, आप उस टाइम पे प्लान को बंद कर सकते हो उसी कॉस्ट में। ये नहीं कि आपको दुगना प्रीमियम देना पड़ेगा, पर लेकिन उसी टाइम पे अगर आप बंद कर सकते हो, और जैसे बंद करे हो उस टाइम पे आपको प्रीमियम पूरा वापस किया जाएगा कंपनी। यदि आप डिसाइड करते हो नहीं मेरे को 75 तक कवर कंटिन्यू करना है, आपका कवर 75 ईयर्स तक या 80 ईयर्स तक कंटिन्यूड रहेगा, वापस नहीं ठीक है आएगा। पर लेकिन अगर डिसाइड करते हो, क्योंकि आजकल के जमाने में यह है कि थोड़ा लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि उनको बिल्कुल पता नहीं कि 60 साल तक लेना चाहिए 80 साल तक लेना चाहिए, क्योंकि हम कब तक काम करने वाले हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल कैसे रहने वाले हैं, बच्चे कब बच्चे होंगे, फिर उनका 25 साल कब होगा, एब्सोल्युटली एजुकेशन कब होगा, वो सब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चाहते हैं आज के जमाने में लोग। तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने अभी ये नया प्लान लॉन्च किया है। अभी 2 कंपनीज ने लॉन्च किया है ये प्लान, अब और 3-4 कंपनी अगले 3-4 महीने में लॉन्च करने ठीक के है प्लान में है। तो ये एक कैटेगरी है जो उस तरह का यूजर जो सोच रहे कि रिटर्न चाहिए,
जी लेकिन जी सबसे कम दाम में भी चाहिए, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है इस। ओके, तो आपको अब ये भी पता चल गया है कि किन किन टाइप्स के टर्म प्लान्स अवेलेबल हैं, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप उन टर्म प्लान्स को चूज कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान एक नया तरीका है या टर्म प्लान लेने का, जिसमें आपको अगर मन चाहे तो किसी भी टाइम पे आप ये पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं और अपने प्रीमियम को रिटायरमेंट एज के आसपास, अराउंड रिटायरमेंट एज के आसपास, जैसे 55-60 के आसपास, अगर आपने 75 या 80 तक का कवर लिया तो पहले भी आपके पास ऑप्शन है इसे विड्रॉ करने का, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मिल जाती है लोगों को, ये एक बेहतर बात है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा सवाल लोगों में आता है कि आखिर टर्म प्लान और टर्म पॉलिसी लेनी किसको चाहिए, क्या वो ब्रेड अर्नर को लेनी चाहिए या फिर सभी को घर में लेनी चाहिए, ये आइडियली होता किसके लिए? देखिए, टर्म इंश्योरेंस बहुत पहले से ऐसे चलते आ रहा है कि मतलब जो सबसे ब्रेड अर्नर जो होता है फैमिली में, उनको लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर उनका मौत हो जाता है तो उनकी जगह और कोई नहीं होता है फाइनेंशियली उस फैमिली का फ्यूचर देखने के लिए, ताकि ये जो टर्म इंश्योरेंस है वो कवर फैमिली को मिलता है और वो फैमिली का फाइनेंशियल फ्यूचर को सेफ रखता है। पर लेकिन अभी आजकल जो जमाने में जो दिखा जा रहा है, और स्पेशली लास्ट ईयर का जो कोर्ट रूलिंग के बाद जो समझ में आ रहा है कि होम मेकर्स को भी इनकम, जैसे कि वो लोग फाइनेंशियली इनकम लेके नहीं आते हैं पर लेकिन उनका इनकम भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ फैमिली को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। उसके वजह से आजकल जिसको एज अ एग्जांपल लेके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने हाउसवाइफ और होममेकर टर्म प्लान्स भी लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ा इजी कर दिया है होममेकर्स और हाउसवाइफ को प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने में। और वो आजकल ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फाइनेंशियली जो लोग इनकम कमा रहे हैं वही नहीं, कि होममेकर्स और हाउसवाइफ भी आजकल टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो एक ब्रेड अर्नर है जिसके फैमिली में हाउस वाइफ है या होम मेकर है जो कमाते नहीं है, बट लेकिन वो फैमिली का देखभाल कर, कल को अगर उनका मौत होता है तो ये हो सकता है कि आपको ब्रेड अर्नर जो है वो उसी तरह का जॉब्स नहीं ले पाएगा। अगर सेल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, वो सोचेगा कि मैं आगे इस तरह का जॉब नहीं करूंगा, मैं थोड़ा बैक एंड जॉब लूंगा जिसमें मैं बच्चे के साथ टाइम भी बिता पाऊं और थोड़ा टाइम के हिसाब से करूं, या पेरेंट्स का देखभाल करूं, जो आइडियल नहीं होता। उसके हिसाब से आपका फ्यूचर इनकम पे भी इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से फैमिली का लाइफस्टाइल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। वो सबके हिसाब से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका है, आपके साथ आपका होममेकर का भी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आपको हेल्प करेगा या फैमिली का फ्यूचर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो वो एक कैटेगरी जो आ रहा है, ये बेसिकली अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर आपके ऊपर है तो आपके लिए जरूरी है एक टर्म पॉलिसी लेना, लेकिन कोई इमोशनली भी आपके ऊपर अगर फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है तो भी आपके लिए लेना काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि तब भी आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है, अनइवेंटफुल डेथ हो जाती है, तो टर्म पॉलिसी तब हेल्प करता है। अब एक और सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है कि आइडियली कवर कितना होना चाहिए और कितने समय के लिए उनको ये टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या उनको ये 60 साल तक के लिए लेनी चाहिए, 70 इयर्स, 80 इयर्स, तब कब तक के लिए लेनी चाहिए और कितना कवर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाते हुए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और बीच में अगर उनको कुछ इतने सालों में अगर कवर मिले तो एडुकेट भी होना चाहिए उनके फैमिली के लिए। बिल्कुल, तो वो एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कितना कवर लेना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को जनरली ये लगता है कि नो, मेरे फ्रेंड ने बोला 1 करोड़ लेना जरूरी है या 50 लाख लेना अच्छा होगा और उसके हिसाब से ले लिया, पर लेकिन और बहुत दिन से और बहुत सालों से आ रहा है, 8 साल से जनरली सब 1 करोड़ 1 करोड़ करके बोलते हैं तो 1 करोड़ ही लेते हैं। पर लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले कैलकुलेट करना चाहिए आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है। वो कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, बट एक सिंपल तरीका ये है, आपका इनकम का मल्टीपल है आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू। अगर आप मान 35 के नीचे हो तो आपका इनकम का मल्टीपल 25 टाइम्स है आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जितना का कवर लेना चाहिए वही 36-40 के बीच में, तो 20 गुना। क्यों इतना क्यों है, कुछ लोग बोलते हैं यार इतना इनकम का इतना मल्टीपल बहुत ज्यादा होता है, पर लेकिन आप जिस तरह से देखोगे, कल को अगर आपके साथ कुछ होगा और फैमिली को ये पैसा मिलता है, वो लोग रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह में नहीं डालेंगे, वो FD में डालेंगे ताकि सेफ हो, ताकि उनका फैमिली का फ्यूचर सही से स्टेबिलिटी के साथ चलते रहे। पर लेकिन आप अगर देखो फिक्स डिपॉजिट रेट जिस तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी में गिरते जाएंगे और फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है कि मतलब 3% से शायद ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा पोस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, तो वैसे ही नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन भी रहेगा। उसके हिसाब से अगर देखोगे मतलब आप 3% रिटर्न मिलेगा, अगर 1 करोड़ रुपए का कवर लोगे तो 3 लाख रुपए उनको मिलने वाला है एवरेज अगले 30 साल, तो उनका क्या कितना हेल्प करेगा, उसके हिसाब से आपको देख के एक्चुअली आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से सही कवर लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कब तक लेना है, अब कब तक लेना ही वाला बात जो है ना, वो पहले बहुत क्लियर था जब हमारे पेरेंट्स के जमाने में, क्या 60 साल के टाइम पे जनरली रिटायर हो जाएंगे, जो कवर जो है 60 साल तक लेना चाहिए, उसके बाद तो हमने तब तक हमने एसेट्स कर लिया होगा, जो जो एसेट्स रखना है रिटायरमेंट के लिए या बाकी चीजों के लिए हमने संभाल के रख लिया होगा। पर लेकिन आजकल के जमाना ऐसा है कि वो थोड़ा
क्लियर नहीं कि 60 साल पे रिटायर करेंगे, 70 साल पे करेंगे या 40 साल पे करेंगे बर्नआउट के वजह से, बहुत टची टॉपिक है, वो डिबेटेबल टॉपिक है। तो उसके हिसाब से आजकल जमाना जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहता है, तो उसी को लेके आजकल इंश्योरेंस कंपनीज नया न्यू एज एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, जो कि आप अगर मान लो 75-80 तक पॉलिसी ले रहे हो तो रेगुलर टर्म प्लान जिसमें कम दाम में आपको कवर मिलेगा, उसी दाम में आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा 60 साल के अराउंड, आपके रिटायरमेंट एज के अराउंड, कि आप उसको प्लान को, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा हो गया अभी मेरे को टर्म प्लान और नहीं कवर नहीं चाहिए, तो आप उसको बंद कर सकते हो और जितना प्रीमियम आपने पे किया वो वापस भी मिलेगा आपको पूरा नॉर्मल रेगुलर टर्म प्लान के प्रीमियम में ही। मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, और इसीलिए इस कैटेगरी को नॉर्मली अभी जैसे लोग थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी बोल रहा है, कि जो सबसे बढ़िया है अगर आपको क्लियर है माइंड में कि 60 साल तक ही लेना क्योंकि मैं उस टाइम तक रिटायर हो जाऊंगा या मेरे लाइफ नहीं, तो 75-80 तक लीजिए क्योंकि उसमें वैसे ही ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें प्रीमियम भी वापस मिलेगा, जिसके चलते हुए आपको प्रीमियम ऑलमोस्ट आपका कॉस्ट जीरो हो जाए क्योंकि आपने जितना पे किया उतना वापस मिल जाएगा। अगर नहीं आपको उस टाइम पे लगता है कि नहीं मेरे को 75-80 तक कंटिन्यू कर लीजिए, तो वो बहुत फायदे की बात है वहां पे। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करो कि आपको कौन सा कवर टिलेज सही रहेगा, कितने कितने साल तक उसका। बेसिकली ये नहीं कि मतलब मेरे दोस्त ने ये लिया या मेरे फैमिली ने ये लिया तो मैं भी यही लूंगा, वो सही बात अक्सर होता है। जी बिल्कुल। तो आखिर में सजा जी ये बताइए कि जो मिलेनियल व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, कि अब अगर वो आज अपने लिए कोई एक टर्म प्लान लेना चाहें तो कौन सी 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए? हो सकता है कुछ इंश्योरेंस एजेंट से बात भी कर रहे हों, ऐसी कुछ बातें जो उनको अब ना पता हो और बहुत ही ध्यान रखने वाली है किसी भी टर्म प्लान को लेने से पहले। देखिए जब आप टर्म प्लान लेने के सोचोगे तो 2-3 चीजें जो सबसे जरूरी है आपको देखना। एक है आप कितना कवर लेना चाहोगे, आप इंश्योर कर लेना आप जो कवर लेना चाह रहे हो वो सही तरीके से कैलकुलेट करें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें और आपका लाइबिलिटीज देखे, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करे। और वो ये ना टाल दे कि मतलब नहीं मैं अभी के लिए 1 करोड़ लूंगा, 1 करोड़ 5 साल के बाद लूंगा, क्योंकि 5 साल के बाद और महंगा होने वाला है जिस तरह से टर्म प्राइस बढ़ते जाए लास्ट 2-3 साल में। तो और उसके ऊपर से अगर मान लो बीच में कोई हेल्थ इश्यू आया तो ऑब्वियसली शायद प्लान ना ही मिले आपको उस टाइम पे, ये सब प्रॉब्लम्स भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अभी एक बार डिसाइड कर लो सही तरीके से कि कितना ले। दूसरा है कि कब तक कवर चाहिए, वो भी एक बार डिसाइड कर लो सही तरीके से। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, हर एक का नीड्स अलग है, हर एक का फैमिली नीड्स अलग है, उसके साथ आपको 60 साल तक चाहिए या 80 साल तक चाहिए, या वो यू नो जिसमें रिटर्न वापस आएगा ताकि आपको कॉस्ट जीरो बने वो वाला चाहिए, वो डिसाइड। और एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितना कवर चाहिए और कब तक कवर चाहिए ये सोचने के बाद कंपेयर करिए डिफरेंट कंपनीज का प्लान्स, क्योंकि हर एक कंपनी का प्लान में बेनिफिट जो है अलग अलग अवेलेबल है। एक जमाना है जबकि पूरा प्लान एक ही तरह का चलता था सब कंपनीज का, बट आज के जमाने में बहुत कंपनीज ने न्यू एज फीचर्स लेके आए हैं, न्यू एज राइडर्स भी लेके आए हैं, बेस प्लान में भी बहुत सारे वेरिएशन लेके आए हैं। तो आपको जो आपका फैमिली के नीड्स के हिसाब से सुटेबल होगा वो शायद अलग हो आपके दोस्त ने जो लिया उससे या आपके फैमिली मेंबर ने जो लिया उससे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले कंपेयर भी करो डिफरेंट कंपनीज का प्लान्स और फिर उसमें से चुन लो कि आपको जो सबसे सही लगेगा या आपका फैमिली के नीड्स के हिसाब से या आपका फैमिली मेंबर्स के फाइनेंशियल सेविनेस के हिसाब से जो सबसे उनको सबसे ज्यादा उनको फायदा होगा वो वाला चूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये सभी इंसाइट्स हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं जिससे आसान हो जाएगा हमारे सभी व्यूअर्स के लिए डिसाइड करना कि कौन सा प्लान उनके लिए बेहतर है, उनके फैमिली के लिए बेहतर है, कितना कवर लेना है, कब तक के लिए लेना है। और जो अलग अलग प्रकार के अब आपने टर्म प्लान्स बताए हैं इसके लिए भी जो अवेयर कराया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।